मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्वार फली, जो हम अपने आप बोलते हैं कुर्थी। तो कहीं कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको ये देखिए, इस प्रकार से होती है। तो इनको दोनों तरफ जो साइडेड हैं उनको निकाल लेंगे, ये देखिए। और इनका जो इस पार्ट से एक हार्ड पार्ट होता है वो भी निकाल देंगे। इसके बाद इसको कट कर लेंगे, ये देखिए। तो उसको हमने कट करके रखी हुई है, ये देखिए। साइड के हमने हार्ड पार्ट्स भी निकाल दिए हैं और कुछ काफ़ी मिलान है जो उसमें हार्ड पार्ट्स नहीं थे। और उसके बाद हमने इस तरह कट कर लिया। कट करने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको हम बॉयल करेंगे। इसलिए बॉयल करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स, इतनी बीमारियां दुनियादारी चल रही हैं, तो आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट नहीं बनाऊंगी, इसको बॉयल करने के बाद ही बनाऊंगी। तो इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। देखिएगा आप, ये देखिएगा कि इसमें कितनी गंदगी निकलती है। ये देखिए इसमें, ये देखिए कितना जो झाग आ रहा है, गंदा गंदा सा। और ये देखिए किनारे की तरफ से भी कितना झाग आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बना लेते हैं ऐसे ही, तो जितनी गंदगी थी सब की सब उसमें सब्जी में ही रह जाती थी। हमारे पास लहसुन है और ये मिर्च है, कि पूरी मिर्च नहीं डालेंगे, आधी डालेंगे। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है सॉरी हींग और जीरा। ऐड करने के बाद फिर डाल देंगे इसमें लहसुन और मिर्च। और इसमें फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड करने होते हैं, कि इसमें दुनिया भर की चीज़ें डालते, टमाटर भी वो, फिर सब्ज़ी का कोई मज़ा नहीं रह जाता, कोई इतना टेस्ट नहीं रह जाता। तो यहाँ पर बॉयल की हुई इसको मैंने ड्रेन कर दिया था। अब इसको ऐड कर लेंगे हम सब्ज़ी, इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको चला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इसमें जीरा और मिर्च है, लहसुन सब सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, इसको इस सब्ज़ी को आप चाहे तो नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप दाल चावल सब्जी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। मेरे कहने पर आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और इसके बाद मैंने मिला लिया, अच्छे से मिलाने 2-3 मिनट भूनने का बाद मैंने इसको मिला दिया नमक। नमक मिलाने के बाद इसको अच्छे से भूनने देंगे, ये देखिए। क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी लगभग पक ही चुकी है, क्योंकि 70% तो पक से हो ही गई है। लेकिन इसमें अच्छे से नमक मिलाने के बाद फिर मैंने ये देखिए, अच्छे से नमक हमारा मिल चुका है क्योंकि सब्ज़ी में। तो ऐड कर देंगे ये अपने बेसिक मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और गर्म मसाले पाउडर, ये देखिए। इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको धीरे से भूनने देंगे मीडियम फ्लेम पर, ये देखिए, जिसमें कि मसाले हमारे पूरी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारा जो जितना, ये देखिए मिलने के बाद कितनी अच्छी सब्ज़ी का कलर आ गया है, बहुत अच्छा कलर है। तो फ्रेंड्स, सच में बात करूँ, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। आप इस प्रकार से सूखी सब्ज़ी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि सीजनल सब्ज़ी होती है, मिलने को तो काफ़ी टाइम तक मिलती रहती, लेकिन जब आप गर्मियों में इसको बनाते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, इसको जरूर बनाइए, जरूर ट्राई करिएगा। मेरे कहने से जो नहीं भी खा रहा होगा, 2 की जगह 4 रोटियां खाएगा, क्योंकि सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती ही है, बहुत टेस्टी बनी तो बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि इसमें ज़्यादा बनाने का स्पेशल कोई लॉजिक नहीं लगता, स्पेशल कोई ट्रिक नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल सिंपल ढंग से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाइए, खाइए, बहुत मज़ा आएगा। मेरे फ्रेंड्स, तो ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट किया करिए, प्लीज़ कम से कम मेरे चैनल को देखा करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। और जो वीडियो आपको अच्छा लगे आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी किया करिए, कमेंट किया करिए कि आपको नए अगली वीडियो किस मैटर पे, किस खाने पे चाहिए या गार्डनिंग पे चाहिए, किस पे चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी किया करिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, जब जरूर लाइक करिए।